बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा अपना रक्षाबंधन। ये ब्लॉग रक्षाबंधन के बाद जा रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने रक्षाबंधन पे बहुत इंजॉय किया होगा। तो अभी शाम का टाइम है, आज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था। एक्चुअली हेक्टिक डे मेरे चल रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हो पैकिंग हो रही है इंडिया जाने की और सब बहुत सारी चीज़ें लाइन अप करनी होती है उससे पहले, तो वही सब चल रहा है। तो अभी हम लोग क्विकली निकले हैं बाहर, एंशल ऑफिस से लौटे ही थे, अभी हम लोग जा रहे हैं। गोविंद का प्री स्कूल का कुछ काम था, उसकी जो सीट है हमें फ्रीज करानी थी, मेरी फ्रेंड के पास जाएंगे क्योंकि हम लोग साथ में आज रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। तो अभी मैं बस ऐसे नॉर्मल अपने कैजुअल्स में आई हूँ, घर जाके थोड़ा सा रेडी होऊंगी और उसके बाद फिर ये व्लॉग आप लोगों के साथ फन वाला व्लॉग शेयर करूंगी। तो अभी मैं ना सारा खाना वगैरह बना के आई हूँ, उसकी क्लिपिंग्स मैं इसके बाद डालती हूँ, तो आप देख लीजिए कि आज मैंने क्या खाना बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कूट कर रखे हैं, ये मैंने कट नहीं करे, ओखली मूसली में कूटे हैं। थोड़े से पिस्ताचियोस, थोड़े से आलमंड्स और थोड़े से कैश्यूज। कूटने के बाद इन्हें मैं खीर में डालूंगी, उससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो त्यौहार का दिन है, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कुछ मीठा बनाने से ही। तो जैसा कि मैंने अपने तीज ब्लॉग में आप लोगों को बताया भी था, हमारे यहाँ तीज पे और रक्षाबंधन पे जवे की खीर बनती है। तो बस मैं अभी खीर के लिए दूध चढ़ा रही हूँ और आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा खीर बनाऊँगी क्योंकि राखी बांधने आज मैं अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मीठा मैं वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी। तो देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसके लिए मैं 1 मुट्ठी जवे लूँगी। यही अंदाज़ा आप चावल की खीर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट खीर बनती है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो बस दूध अभी बॉयल हो चुका है, साथ ही में मैं इसमें जवे भी डाल दूंगी और अब ये साथ में ही पकते रहेंगे। धीरे धीरे धीरी गैस पर ही आप इसे पकाइएगा, बहुत अच्छी खीर बनती है ये। और जब तक खीर बन रही है तब तक मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आज मैं आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैं 3.5 टमाटर यूज़ करूँगी और आधा टमाटर मैं मूली के लच्छे में डाल दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं टमाटर को बस रफली चॉप करके अपने चॉपर में डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी अराउंड 1/2 to 3/4 टीस्पून कसूरी मेथी मैं इसके अंदर डालूंगी और इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से, और उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। जिस तरीके से मैं सब्ज़ी ये दिखा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। पूरी पराठे के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, तो बस थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो बस बेसिक मसाले इसके अंदर डालने हैं, जैसे कि जीरा, हींग और हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो हमने प्योरी बना के रखी है मैं वो भी डाल दूँगी इसके अंदर। और साथ ही मैं इसी ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि जो भी थोड़ा सा प्योरी लगी हुई थी ब्लेंडर में वो भी आ जाएगी। और अब इसे मैं कवर करके थोड़ी देर कुक करती रहूंगी, जिससे कि इसके स्प्लटर्स बाहर ना आए, अदरवाइज़ टमाटर बहुत ज़्यादा स्प्लटर करता है। और यहाँ पर मैंने मूली भी ग्रेट करके रखी थी, मूली के लच्छे बनाने के लिए विदाउट एनी सॉल्ट वगैरह डाले मैंने, बस ऐसे ही रखी थी। और जो भी थोड़ा सा पानी है एक्सेस वो मैं निकाल लूँगी, इस पानी से ना कड़वापन निकल जाता है मूली का और फिर मूली के लच्छे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस थोड़ा सा स्क्वीज़ करने के बाद इसमें मैंने आधा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल दिया है। इसमें बाकी के मसाले जैसे कि भुना जीरा पाउडर, नमक और नींबू मैं बाद में ऐड करूँगी सर्व करते वक्त। और आलू की सब्ज़ी के लिए यहाँ पर मैं 2.5 आलू यूज़ कर रही हूँ, ये उबला हुआ आलू है और हाथ से ही बस इसी तरीके से मुझे इसे तोड़ना है, कोई कट वगैरह नहीं करना, इसी से ही इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी के जैसा आता है। और यहाँ पे मेरी ग्रेवी जो है वो भी पक चुकी है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा तवा मसाला ऐड किया है, आप तवा मसाला ऐड करके देखिएगा, इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कभी भी आप सूखी आलू की सब्ज़ी बनाएं या इस तरीके की भंडारे वाली सब्ज़ी बनाएं तो उसमें तवे मसाला जो आप ऐड करते हैं उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। MDH का तवा मसाला मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है और नमक भी, नमक चाहे तो आप पहले डाल दें बट आज मैं भूल गई थी तो बाद में डाल दिया। और मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी बनाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप कैसी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, मैंने तो बस थोड़ा पानी ऐड किया है मीडियम कंसिस्टेंसी के लिए। और पानी को बॉईल होते ही थोड़ा सा धनिया पत्ता से आप गार्निश कर दें और सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाएगी। और आज मैं अजवाइन पराठे बनाऊंगी, तो थोड़ा सा अजवाइन डाला है आटे में और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैं इसको अच्छे से गूंथ के रख दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी ऐड कर लें बट मैंने तेल अवॉइड कर दिया।
और यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। और अभी मैं इसमें 7 से 8 चम्मच चीनी डालूँगी। ये पाउडर्ड शुगर है इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है, थोड़ी सी कम मीठी है ये, बट अगर आप अगेन इंडिया वाली चीनी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और 2 मिनट बस इसे गैस पे रखूँगी और देखिए बहुत ही डिलीशियस यमी खीर भी बन के तैयार हो गई है। ऊपर से आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो आपने कूट के रखे थे वो और डाल लें तो इसकी खूबसूरती भी बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का, तो बस अभी खाना वगैरह बना के मैं गोविंद के स्कूल गई थी और लौट के फटाफट से क्विकली तैयार होकर अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, तो सोचा अपना लुक एक बार दिखा दूँ आप लोगों को। और मेरी फ्रेंड ने बहुत ही सुंदर ट्राई कलर सैंडविचेस बनाए हैं। आज इंडिपेंडेंस डे भी है तो सोचा इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन दोनों साथ में ही मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी फ्रेंड तो सुबह से लगी हुई थी कुछ ना कुछ कुक करने में, तो अभी बस वो गई है थोड़ा सा रेडी होने और मैंने सोचा तब तक मैं ये सैंडविचेस जो हैं थोड़े से ग्रिल करने हैं, कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है, तो बस अभी मैं थोड़ा सा ये ग्रिल कर लूँगी। और एक और हमारी फ्रेंड जो है वो आने ही वाली है और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई है रेडी होके, तो वो अभी थोड़ा सा प्लेट सजा रही है सैंडविचेस को कट करके। देखिए उसने कितने सुंदर से लगाए हैं और उसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। ये हलवा बनाया था और छोटे वाले समोसे उसने तले थे, बहुत ही मज़ा किया। देखिए आप बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, आपस में खेला कूदा और उसके बाद अभी खाना पीना हो गया है तो प्लेट सज रही है राखी बांधने के लिए। और बच्चों को एक साथ बिठाना वॉज़ अ बिग टास्क फॉर अस, ये लोग बैठ ही नहीं रहे थे बट मुश्किल से हम लोगों ने किसी तरह मैनेज करके बच्चों को बिठाया और अब राखी सेशन बच्चों से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये गुड़िया जो है मेरी फ्रेंड की ही बेटी है, बहुत ही क्यूट बेटी है ये, तो यही लड़की है, हमने सोचा चलो बच्चों को इसी से राखी पहनवा देते हैं। एक्चुअली हमारा इतना एक्सटेंसिव प्लान पहले नहीं था, मैंने कल अपनी फ्रेंड को बोला था कि हम कल तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हारी बेटी से राखी गोविंद पहन लेगा, बट फिर उसने प्लान किया कि सभी लोग आ जाते हैं, सब हस्बैंड्स को भी राखी पहन लेंगे और हम लोग भी आपस में एक दूसरे को राखी बांध देंगे। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया, इन्जॉय किया साथ में मिलके। मैंने मेरी फ्रेंड की पूरी फैमिली को राखी बांध दी, फिर दूसरी फ्रेंड ने मेरी फैमिली को राखी बांध दी और फिर इन दोनों ने आपस में राखी बांध ली, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फॉरेन लैंड पे इस तरीके से आप अपने त्यौहार मनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फैमिली को आप मिस नहीं करते, तो यू नो फैमिली का महत्व आपको पता चलता है जब ऐसे त्यौहार पड़ते हैं और आपकी फैमिली आपके पास नहीं होती, बट स्टिल आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारे त्यौहारों को एंजॉय कर लेते हो। तो देखिए ये हमारी दूसरी सॉरी थर्ड नंबर की फ्रेंड थी तो उसने हमें राखी बांध दी। सच बताऊं शादी के बाद पहली बार मैंने किसी को राखी बांधी है और पहली बार ही किसी ने हमें राखी बांधी है। अक्सर तो जब हम ट्यूशन में थे तो ऐसा ही होता था कि अंशुल को निकलना होता था कॉलेज के लिए सुबह सुबह, तो बस भगवान के मंदिर के सामने बैठ के जो हमारी दीदी हमें राखी बेचती थी वो हम अपनी अपनी राखी पहन लेते थे, तो बस इसी तरीके से हम रक्षाबंधन मनाते थे। बट इस बार हम लोगों ने बहुत ही अलग स्टाइल से और बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया, तो बहुत अच्छा फेस्टिव फील आया हम लोगों को भी। और खाना तो आपने देखा ही, मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा बनाया था, तो काइंड ऑफ टी टाइम स्नैक्स भी हो गए और इंडिपेंडेंस डे मन गया, राखी मन गई। एंड डेफिनेटली ये वीडियो देख के मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा बुरा फील करती हैं कि मैं बाहर रहती हूँ सारे त्यौहार मिस कर देती हूँ, तो उनको देख के अच्छा लगेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने खूब इंजॉय किया राखी वाखी पे। और इतना तैयार होकर आए हैं तो सोचा थोड़ा सा फोटो सेशन तो बनता ही बनता है। और हाँ मैं आपको दिखाना चाहती थी मेरी फ्रेंड ने कितने सुंदर झूले बनाए हैं जन्माष्टमी के लिए और वो सेल आउट भी कर रही है, तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं और शिकागो में रहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को इन सारे झूलों का प्राइस अपनी फ्रेंड से पूछ के बता दूंगी और इनकेस आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। तो बस अभी राखी वगैरह सेलिब्रेट करके हम लोग घर वापस लौटे हैं और हमारे यहाँ राखी पे इस तरीके से सौंड बनाए जाते हैं जो कि मंदिर पे और घर की हर एंट्री पे लगाते हैं, तो ये मैंने सुबह बना के लगा दिए थे और इन्हें गुड़ से जिमा दिया था, बट गोविंद ने स्टूल लगा के मंदिर वाले सौंड हटा दिए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें रीपेस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा डबल टेप लगा के, डबल साइडेड टेप मैंने फिर से इन्हें लगा दिया है और अभी अपनी पूजा कर रही हूँ।
अगर आप भी मेरी तरह अपने भाइयों से दूर रहते हैं और रक्षाबंधन नहीं मना पाते हैं, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। जो आपके मंदिर में कृष्ण भगवान जी हैं, उनको तिलक लगा के उनको राखी पहना दें। और अगर आपके पास राखी भी नहीं है, तो सिंपल अपने भगवान को मोली पहना दें, वो भी बिल्कुल राखी जैसी होती है, और आपका राखी का त्यौहार मन जाएगा। और राखी की जो महत्व होता है, वो आपके भाई को राखी बांधना और आपको ब्लेसिंग देना होता है, तो वो आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद अभी मैं खाना बनाने लगी थी। खाना तो वैसे मैं बना कर ही गई थी, आपने देख ही लिया है। आज मैं स्क्वायर शेप के पराठे बना रही हूँ, तो बस अभी वही बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल होते हैं स्क्वायर शेप के पराठे बनाना। आप गोल गोल रोटी को बेल लीजिए और फिर चारों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके फिर से इसे फैला लीजिए, तो देखिए स्क्वायर शेप आ जाती है। और चाहें तो आप फर्स्ट लेयर बेलने के बाद थोड़ा सा घी लगा के फिर फोल्ड करके आप इसे बेलें, तो थोड़ा सा इसमें लेयर भी आ जाएगी, बट मैंने थोड़ा सा घी वगैरह अवॉइड ही किया है, तो सिंपल ही मैं बेल रही हूँ। इससे कुरकुरे बहुत बनते हैं पराठे। तो देखिए एक और पराठा मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं बनाती हूँ गोविंद के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप के पराठे। और यहाँ पे मूली के लच्छों में मैं अब मसाला मिला रही हूँ। तो थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक या नॉर्मल नमक आप जो भी चाहें वो डाल लें, और थोड़ा सा इसमें नींबू मिला लें। बहुत ही यमी लगता है ये पूरी पराठों के साथ, तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है खाने में। गोविंद तो काफ़ी भूखा था, उसने वहाँ पे कुछ खाया नहीं। हम लोगों का तो पेट भरा ही हुआ था, तो मैंने अब हम लोगों के लिए एक एक पराठा ही बनाया और गोविंद के लिए एक पराठा बनाया, तो बस आते ही कुकिंग में लग गई। और थोड़ा थोड़ा घी लगा के मैं सेकूंगी पराठे। फर्स्ट पराठा मैं हमेशा गोविंद का बनाती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा घी मैं उसमें लगाऊँ तो जो भी एक्सेस घी है वो तवे पे रह जाए और फिर बाकी के जो पराठे होते हैं वो उसमें आ जाता है। तो सबसे पहला पराठा गोविंद के लिए ही मैं बना रही हूँ। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। होप करती हूँ आपको हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आजकल मेरे बहुत हेक्टिक डेज चल रहे हैं, तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जितने व्लॉग्स पॉसिबल हों वो लेकर आ पाऊँ। तो मेरी इस मेहनत के लिए ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी सेलिब्रेशन कैसी लगी। फिर से मैं मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।